ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला चला, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला 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 चला। कुछ दाने राहों पे गिरे, कुछ दाने राहों पे गिरे, और कुछ परंदों ने चुग लिए। कुछ दाने राहों पे गिरे और कुछ परंदों ने चुग लिए, कुछ पथरीली जमी पे गिर कर मिट्टी ना मिली बढ़ ना सके, और जो गिरे जंगली झाड़ों में, और जो गिरे जंगली झाड़ों में, उनके तले दबके रह गए। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला 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 चला। मच्छी जमी पे कुछ गिरे, अच्छी जमी पे कुछ गिरे, बढ़ने लगे फलने लगे। अच्छी जमी पे कुछ गिरे, बढ़ने लगे फलने लगे, कुछ सौ गुना फल ले आए, कुछ सौ गुना फल ले आए, साठ गुना कुछ तीस गुना। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला 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 चला। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे कहानियों में क्यों बातें करता है? तो यीशु ने कहा कि वो देखते हैं और फिर नहीं देखते, और सुनते हैं और फिर नहीं सुनते और नहीं समझते। उसके कलाम को सुनते हो, उस
उसके कलाम को सुनते हो तो समझो भी, दिल में वो बोया बीज है जो उसको जरा तुम सींचो भी, मानते हो तो दिल में रखो, मानते हो तो दिल में रखो, और जो कहता है वो करो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, बोने वाला बीज बोने चला, 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 चला चला चला। बच्चों आप सबों को आशा आंटी का प्यार भरा नमस्कार। अशोक को गुड़ियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसकी छोटी बहन अनीशा को जन्मदिन के उपहार में एक बड़ी सी गुड़िया मिली तो उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। परंतु अनीशा तो अपनी गुड़िया पर जैसे लट्टी हुई थी, वैसे प्यार से शिबू कहकर बुलाती थी। वह जहाँ कहीं जाती उसे भी जरूर अपने साथ ले जाती थी। एक दिन अशोक बाहर से फुटबॉल खेलकर घर पहुंचा, उसने क्या देखा, अनीशा अपनी प्यारी सी गुड़िया को एक कोने में बैठी बड़े प्यार से थपकियां देती, लोरी सुनाती हुई सुला रही थी। अनीशा को ऐसा करने में, उस गुड़िया पर अपना प्रेम उंडेलने में एक अजीब से शक्ति मिलती थी। कभी वह उसे ऊपर उठाती तो गुड़िया बड़े प्यार से माँ माँ कहकर उसे जैसे रोती थी। अनीशा को गुड़िया का ऐसा प्यार भरे शब्दों में माँ कहना बड़ा अच्छा लगता था। परंतु अशोक को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कहता, निशा तुम इस तरह अपनी गुड़िया को क्यों रुलाती हो, मुझे तो इसकी सूरत से ही नफरत सी हो जाती है, ना जाने इसमें तुम्हें क्या मज़ा आता है जो तुम बार बार उसे उठाकर रुलाती हो। अनीशा ने कहा, मेरी प्यारी शिबू हमेशा मुझे माँ माँ कहकर बुलाती है और इसमें तो मुझे बड़ा आनंद आता है और मुझे अच्छा भी लगता है। अशोक जानना चाहता था कि उस गुड़िया में ऐसा कौन सा यंत्र लगा हुआ है जो माँ माँ जैसा शब्द निकालता है। परंतु अनीशा के सामने उसने अपने कौतूहल को प्रकट नहीं होने दिया और चुपचाप अपने कमरे की ओर चल दिया। कुछ समय बाद जब अशोक फिर कमरे में आया तो देखा अनीशा अपनी गुड़िया के झूले के पास बैठी सो रही है। नीचे के कमरे में माताजी अपनी सिलाई मशीन पर कुछ सिलाई का काम करने में तलीन है। उसने सोचा यही अच्छा अवसर है। वह दबे पांव अनीशा के कमरे में आया और चुपचाप से अनीशा की गुड़िया को उठा लिया। बिना आवाज़ किए उसने उस गुड़िया को अपने कमरे में ले आया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अपने पलंग पर आराम से बैठकर अब उसने गुड़िया को उठाकर ऊपर नीचे करना शुरू किया। गुड़िया माँ माँ के स्वर में रो पड़ी। उसने अनुभव किया कि गुड़िया के पेट में कोई सख्त सी चीज़ है जहाँ से माँ माँ की ध्वनि निकलती है। वह अपनी अलमारी की ओर बढ़ा और अपना छोटा चाकू निकाला। बड़ी सावधानी से उसने गुड़िया के पेट को चीर डाला। लकड़ी का बुरादा उसमें से गिर पड़ा और बिस्तर पर फैल गया। उसने इसकी कोई चिंता नहीं की, वह तो उस सख्त चीज़ को देखना चाहता था। अपनी उंगली डालकर आखिर उसने वह वस्तु निकाली ली जो मामा की आवाज़ पैदा करती थी। परंतु जब उसने फटी हुई गुड़िया पर नज़र डाली जो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, उसकी दुर्दशा देखकर वह व्याकुल हो उठा। उसने अपनी छोटी बहन की प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया की क्या हालत कर दी है जिसे अनीशा बेहद प्यार करती है। वह यह सोचकर कि उसकी ऐसी हालत को देखकर
अनीशा पर क्या बीतेगी, वह परेशान हो गया। उसने उस गुड़िया को उठाया और जैसे तैसे बुरादा भरा और उस आवाज़ करने वाले यंत्र को भी बिठाया और गुड़िया के कपड़े भी पहना दिए। चुपचाप से अनीशा के कमरे में आया। अनीशा सो रही थी, चुपचाप से झूले में गुड़िया को वैसे ही लिटा दिया और दबे पैर बाहर निकल आया। अनीशा जागी और शिबू को गोद में उठाकर भैया के कमरे में आई। वह किसी पुस्तक को पढ़ने का बहाना कर रहा था, पर बहन से आंख मिलाने का उसमें साहस नहीं था। अनीशा सोफे पर आराम से बैठ गई और उसने अपनी शिबू को ऊपर नीचे किया। अरे ये क्या, उस पर सारा बुरादा गिर पड़ा। वह चकित हो गई। उसने गुड़िया की पोशाक को उठाकर देखा तो चिल्ला पड़ी, माँ शिबू को कितना बड़ा घाव हो गया है। माँ दौड़ी चली आई और अनीशा को चुप कराया और कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं शिबू को फिर से सुई धागे से सी दूंगी, वह ठीक हो जाएगी। और उसने मरम्मत कर दी। जब माँ ऐसा कह रही थी, अशोक मन ही मन बहुत व्याकुल हो रहा था। उसके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। मन में शंका हो रही थी, जैसे माँ को सब कुछ मालूम हो गया हो। माँ गुड़िया को सिलकर अपने काम में फिर से लग गई। वह अपराधी बना बैठा रहा, बहुत परेशान सा उठा और हिम्मत जुटाकर माँ के पास पहुँचा और कहा, माँ माँ। माँ ने कहा, क्या बेटा, और मशीन से नज़र उठाई। अशोक ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कह ही डाला, माँ मैंने अनीशा की गुड़िया काटी है। माँ ने कहा, मुझे खुशी है बेटा तुमने अपना अपराध स्वीकार किया, पर तुमने ऐसा क्यों किया। माँ मैं जानना चाहता था कि वह क्या चीज़ है जो गुड़िया को माँ कहने में सहायता करती है। माँ मेरे पास कुछ रुपए जमा हैं, मैं अनीशा के लिए एक नई गुड़िया खरीदूँगा। पर माँ ने कहा, अनीशा अपनी गुड़िया से बेहतर प्यार करती है और उसे यह सब कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। वह समझती है उसे चोट लगी है, वह ठीक हो जाएगी। अशोक बहुत दुखी था जब उसने देखा किस तरह प्यार से अनीशा अपनी शिबू को छाती से लगाए थपकी देकर झुला रही है, पर वह जानता था कि उसकी गुड़िया अब कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। अशोक मन ही मन रो पड़ा और कहा, आज से मैं कभी भी किसी की कोई चीज़ बर्बाद नहीं करूँगा। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। किसने छुआ, किसने छुआ, किसने छुआ, किसने छुआ, ये सुने पूछा किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, यीशु ने उनसे ये पूछा, यीशु ने उनसे ये पूछा, आखिर मुझको किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। औरत बीमार थी जो वो डरते डरते पास आई, यीशु की पोशाक को छूकर उसने शिफा फौरन पाई।
जो वो डरते डरते पास आई, यीशु की पोशाक को छूकर उसने शिफा फौरन पाई, उसने छुआ किसने छुआ मुझे, किसने छुआ मुझे, किसने छुआ मुझे, किसने छुआ मुझे, किसने रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं जहां यीशु ने अपनी माता से कहा, ही महिला ये तेरा पुत्र है, तब उस चेले ने कहा, ये तेरी माता है। मित्रों, हम देखते हैं कि क्लेशित व्यक्ति केवल सहानुभूति चाहेगा, पर हम यहां पाते हैं कि क्लेशित उद्धारकर्ता दूसरों की चिंता कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु ने क्रूस पर से अपनी माता से बातें की, मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक परिवार के लिए परमेश्वर की महान चिंता को हम प्रतिबिंब कर रहे थे। सृष्टि में घराना परमेश्वर की ओर से एक प्रारंभिक इकाई है। घराना परमेश्वर का अनंत विचार है। कलीसिया एक घराना कहलाती है। स्वर्ग में भी हम पिता, दुल्हे और सहायक के साथ एक घर कहलाएंगे। जब किसी घराने को एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, तब वे पूरे घराने के उद्धार में रुचि रखते हैं। ये बात पुराने धर्मशास्त्र में दिखाई पड़ती है। परमेश्वर ने नूह को उसके पूरे घराने सहित बचाया। परमेश्वर ने राहब और उसके पूरे घराने को नाश होने से बचाया। जके के घर के द्वार पर प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। फिलिपी में बंदगृह के दरोगा ने एक वचन में प्रश्न किया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका उत्तर उसे बहुवचन में दिया गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत रीति से लोग परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नई वाचा के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा, उन दिनों में वे फिर न कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो जो जंगली दाग खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। यजकल भस्मुक्ता भी इसी सत्य को प्रतिध्वनित करता है और आगे कहता है, देख
सबों के प्राण तो मेरे हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मारा जाए। एजिकल 18:1-4 सब आत्माओं को समान विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व मिले हैं। जब एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास लाता है तब वो परमेश्वर की दी हुई सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर की संतान होने के कारण अपने संपूर्ण घराने के लिए मांग सकता है। अपने संपूर्ण घराने को क्रूस के पास लाने हेतु उसे हर संभव प्रयास करना चाहिए। घराना उसकी पहली मंडली है। संतानों को मसीह के पास लाने का उत्तरदायित्व पिता और माता दोनों को दोनों का एक बराबर है हिस्सा। वास्तव में उत्तरदायित्व पिता का अधिक है। हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। नीति वचन 1:8 ध्यान दीजिए कि पिता शब्द पहले आया है। इब्राहिम के विषय परमेश्वर की महान प्रशंसा यह थी कि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा, वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहेंगे। उत्पत्ति 18:19 वो घर में एक अच्छा पिता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी पदोन्नति की सारे विश्वासियों का पिता कहलाएगा। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं मत्ती 27 में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस का ये केंद्रीय विलाप है। मसीह एक क्षण के लिए त्याग दिए गए कि हम सभी ना त्यागे जाए। पाप का ज्ञान व्यवस्था से मिला, पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। यशायाह भविष्यवक्ता ने पुकारा, तुम्हारे अधर्म के कार्यों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया, तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे छिपा है। क्रूस पर जब हमारे सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु पर आया, पिता ने इनकी आंखें इतनी पवित्र है कि वे पाप को देख नहीं सकती, अपने चेहरे को अपने पुत्र से छिपा लिया। जब मसीह का शरीर तोड़ा गया तो अलग करने वाली बीच की दीवार टूट गई। हम पहले शारीरिक रीति से अनजाति मसीह से अलग, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञा की वाचाओं को वाचाओं के भागीदारी थे, भागी ना थे, आशाहीन जगत में ईश्वर रहित थे। अब लहू के द्वारा हम निकट आए हैं मेरे मित्रों, अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर घराने के हो गए हम। इफिसियों 2:19 मंदिर की वेदी का जो पर्दा था वो फट गया, भूकंप हुआ, पृथ्वी फट गई, कुछ कब्रें भी खुल गई, कोई रुकावट और अड़चन अब ना रही। महापवित्र स्थान तक अब मार्ग खुला है। सिंहासन तक हम हिवाई के साथ पहुंच सकते हैं। ये सब क्रूस के कारण है। परमेश्वर की उपस्थिति को हम हर समय समान अनुभव नहीं करते, परंतु हमें अपनी बदलती और अस्थिर भावनाओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। सत्य केवल इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। जॉन वेस्टन ने कहा, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। कैसी महान सहभागिता है मेरे दोस्तों,
कि परमेश्वर आपके साथ है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ है, वो आपके आंसू को जानता है, दुख को जानता है, जितना आपकी पत्नी आपके बारे में नहीं जानती, आपके पिता आपके बारे में नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। यूहन्ना की पहली पत्री एक सहभागिता की पुस्तक है। आरंभ करते ही वो कहता है कि हमारी सहभागिता पिता के साथ उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना 1:3। ये जानना कि संसार में हम अकेले नहीं हैं, पर परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है। सब आशीषों से बड़ी आशीष है इस संसारिक जीवन में परमेश्वर साथ है और अनंत काल में हम उनके साथ रहेंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ हम निवास करेंगे। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है और आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में उसे ग्रहण किया है मेरे मित्रों, तो परमेश्वर आपको अनंत काल तक अपने साथ रखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो इतने बड़े काम के लिए खुदावन, जो तेरे क्रूस पर किया। और पिता, तू हमारे सुधी लेता है, क्रूस पर भी तू हमारी सुधी लेता है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है और अनंत काल तक तू हमारे साथ रहेगा। हे पिता, हम तेरे पास आते हैं आज अपने पापी शरीर को लेकर, उसे ग्रहण कर और हमें पाप के बंधन से छुड़ा। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morris@gmail.com, morris@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।